25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है और प्रदेश में गर्मी पीक पर पहुंच गई है। नौतपा के पहले दिन ही पारा 50 डिग्री के खौफनाक स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार को फलोदी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इससे पहले 2016 में फलोदी में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो कि प्रदेश का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इससे पहले चूरू में मई 2020 में तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा था। प्रदेश में चार बार तापमान अधिकतम 50 या इससे ज्यादा पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। शनिवार को प्रदेश में 6 मौत हो चुकी है। 3 दिन में 28 लोगों को गर्मी शिकार बना चुकी है। इसके अलावा बाड़मेर में 48.8 डिग्री, जैसलमेर में 48 डिग्री, बीकानेर में 47.2, चूरू में 47 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। वहीं उदयपुर, सिरोही, दौसा और जयपुर में दोपहर तक गर्मी के तेवर तीखे रहे, लेकिन दोपहर बाद अचानक तेज हवाएं चलने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई शहरों में तापमान 47 से 50 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन सीवियर हीटवेव की स्थिति रहेगी। इससे दिन के साथ रात में भी भीषण गर्मी रहेगी। वही 3 दिन बाद गर्मी से राहत मिलने के आसार है, लेकिन 3 दिन बाद गर्मी से राहत मिलेगी या नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है। वहीं 29 और 30 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। जून के पहले हफ्ते में हल्की बारिश के भी आसार हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।